ये है कुशियारगांव का पार्क का एंट्री गेट। गेट देख के तो अच्छा लग रहा है, अब अंदर टिकट लेके जाना पड़ेगा। टिकट है यहाँ का 20 रुपये का टिकट है, 20 रुपये का एक टिकट है आने के लिए अंदर। इसका कलर देखो, और ये वाले बांस के बम्बू का कलर देखो, दोनों का कलर में अलग है, डिफरेंस है। ये घर है, और ये क्या लिखा हुआ है, लॉस हंट। इतना छोटा सा तो है ये। येलो बम्बू जो है मैंने आज से पहले देखा ही नहीं, तो इसको स्केच करके भी देखे, मतलब ये फिर भी लग रहा है कि ये ओरिजिनल ही है। कलर वलर नहीं किया है, थक गए, भूख लग गया, तो हम लोग कभी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने के, इसका तो आ गया है, ये खा भी रहा है, मेरा सारा कौन लेके आएगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, और आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मैं जब से मुंबई से आया हूँ मुझे आए हुए एक डेढ़ महीना हो गया, मैं कहीं गया नहीं हूँ आसपास में कहीं घूमने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा सा जगह है कुशियारगांव में, कुशियारगांव में एक पार्क खुला है नया, वो फिलहाल वैसे तो नया नहीं, क्योंकि दो साल पहले ही खुल चुका है। तो अब मैं नहीं गया हूँ, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, तो मेरे लिए नया है फर्स्ट टाइम। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अभी अभिषेक जा रहा है और उसके दोस्तों लोग भी है और जा रहे, तो अभिषेक तो निकल गया है, तो उसका फ्रेंड आ रहा है अभी मुझे लेने के लिए, तो अभी मैं उसके साथ निकलता हूँ। अभिषेक मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ का पार्क कैसा होता है। मुंबई में तो यूजली पार्क सब नॉर्मली रहता है अच्छा, यहाँ का पार्क जो नया है खुला है वो कैसा है, मैं अभी तक गया नहीं, तो जाके देखता हूँ कि कुशियारगांव का पार्क कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ का पार्क। चलो है कुशियारगांव का पार्क का एंट्री गेट। गेट देख के तो अच्छा लग रहा है, अब अंदर टिकट लेके जाना पड़ेगा। ये अंदर आते हुए गेट पे, ये बड़ा पार्क है, ये गेट का एंट्री गेट है, टिकट वहां पे चेक होता है। अभी इतना बड़ा कितना, 1-2 किलोमीटर का होगा ये, हाँ। 1-2 किलोमीटर का, और ये कुछ इस तरह का टिकट है, यहाँ का 20 रुपये का टिकट है, 20 रुपये का एक टिकट है आने के लिए अंदर। अभी देखते हैं, यहाँ पे रूम भी मिलता है वहाँ शायद, वो हाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रूम वगैरह ये सब भी मिलता है। अभी हम लोग गार्डन इसके पार्क के अंदर आ चुके हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। वैसे तो ये 2 साल हो गया था ना बना हुआ है, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए नहीं आ रहा था। ये भी अच्छा दिख रहा है, मुंबई में भी मुंबई का जो बोरीवली में है राजीव गांधी पार्क जो है, उसी के जैसा है वहाँ पे, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इससे, ये भी बड़ा ही है, देखते हैं अभी कितना है बड़ा। ये अच्छा बना है, दोनों साइड पेड़ लगा है, ये वाला पेड़ अच्छा है। अभी क्रिसमस भी आने वाला है, क्रिसमस ट्री है नहीं, इसलिए तो देखने में दोनों साइड में मस्त लग रहा है। जानवर वानवर है कि नहीं, है तो अभी जानवर सब, वैसे तो ठीक ही ठाक है पार्क यहाँ के हिसाब से, यहाँ तो पहली बार खुला है ऐसा कुछ, नहीं तो इससे पहले था भी नहीं है बिहार में, हम लोग के घर तरफ इतना बड़ा कुछ पार्क। यहाँ पे आते आते 40-45 मिनट लग गया होगा घर से आते हुए, 40-45 मिनट, वैसे भी 40-45 किलोमीटर है ना, हॉरिजन से 45 किलोमीटर है कुशियारगांव। ऊपर से इसने इतना स्पीड में बाइक चलाया ना, पूरा आँख से पानी आने लगा, आंसू आने लगा।
ये बांस है बम्बू का, इसका कलर देखो और ये वाले बांस के बम्बू का कलर देखो, दोनों का कलर में अलग है, डिफरेंस है। ये येलो है, ये भी, दोनों एकदम अलग अलग कलर का बम्बू है। यहाँ सब वैसा ही है, तीन कलर का है, उधर ग्रीन है, उधर ग्रीन है। ये साइड में पूरा बम्बू का ही है, बांस वास का है। पेड़ वेड़ तो अच्छा लगाया है। ये क्या है, पता नहीं, शायद हमें रेस्टोरेंट होगा, होटल नहीं तो होटल होगा, रूम के लिए बोल रहा था ना गेट पे कि रूम चाहिए तो बताना, शायद यही होगा रूम वूम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे रूम वूम भी अवेलेबल है, जो दूर से आए देखने के लिए रुक सकता है, बट वैसे कुछ फायदा नहीं है रुक के। अच्छा है पार्क, बैठने के लिए भी चेयर्स वगैरह हर जगह दिए हैं। ये पूल है बम्बू का, बांस का है ना? हाँ, बांस का ही तो, बांस का पूल है, बट पानी ही नहीं है। इधर थोड़ा अच्छा है, ये सब में कुछ ना कुछ है शायद, पेड़ वेड़ उगाने का। इधर भी बांस का बम्बू का पत्ता गाछी सा, इधर फूल वगैरह है, गुलाब फूल, मतलब अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइप का है। वहाँ पे लगा भी रहा है, ये साइड भी तो है, सब डिफरेंट कलर के हैं, अलग अलग, रेड येलो वाइट पिंक, सब कलर का। इधर लगा भी रहे नया नया पेड़, हर जगह इधर अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, सारा अलग अलग कलर का है ना। ये अलग तरह के बम्बू है, इसका गाछी अच्छा लग रहा है ना। इधर सब वैसा ही, ये बम्बू में ज़्यादा पत्ता होता है, इसका बांस तो ज़्यादा मोटा नहीं है, पर पत्ता सब दिखने में एकदम मस्त लग रहा है, एकदम हरा हरा है, एकदम पतला पतला ये बम्बू है, ऐसे बांस वास है। अच्छा, अभी इसको और अच्छा बना सकता है एकदम, ये सब देखो यार क्या मस्त लग रहा है, एकदम पत्ता से झपा हुआ, पानी वानी भी देते रहता है हर टाइम पे, नया नया गाछी लगा रहा है बम्बू का। हाँ, इधर का जो बम्बू है इसका बांस मोटा है, हाइट कम है, मतलब मोटा मोटा है, हाइट कम है, इसका पत्ता भी ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, हाइट एकदम थोड़ा सा। ये कौन सा गाछी है, किसी को पता है तो बताओ कमेंट में, कौन सा गाछी है ये हम लोग इधर का एंड, एक साइड का एंड पे आ गए हैं। हाँ, कहाँ से ये बहुत बड़ा है, मतलब घूम ही रहे हैं हम लोग आधा घंटा से ये साइड से। ये गाछी सबसे अलग लग रहा है, ये कहाँ का है, अर्गुन ताल, अर्गुन ऑस्ट्रेलिया का गाछी है, अर्गुन ऑस्ट्रेलिया गाछी पूरा अलग लग रहा है, किस चीज का गाछी है, किसी को पता है तो बताना, हम लोग को तो नहीं पता किस चीज का गाछी है। इधर सब मतलब एक लाइन से एक ही गाछी है, इधर भी अभी गाड़ा है, अभी नया नया में ही डाला है सबको, छोटा छोटा।
हम लोग एकदम मॉर्निंग के टाइम में आ गए हैं ना सुबह सुबह, इसलिए ज़्यादा आदमी नहीं है, नहीं तो अगर शाम में आते 2-3 बजे के टाइम पे आते तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है क्या। हाँ। अभी हम लोग सीधा 9 बजे के आसपास आए, उस उठ के आ गए हैं 9, अभी 10 बज रहा होगा आसपास, 10 से 10:30 के आसपास। अभी इतना ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, पर इधर पूरा बम्बू का लाइन है, पूरा बम्बू ही बम्बू है, वो भी डिफरेंट कलर के हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, इधर पूल भी है, ये बच्चों लोग के लिए बाइक वाइक है, और ये जंपिंग वाला है। थोड़ा इधर इधर पूल है, इसमें नहा भी रहे हैं। ये लड़का पूरा कपड़ा खोल के नहा रहा है, तो वो बोल रहा है इसका वीडियो बनाने के लिए। पानी है, बहुत गंदा पानी है यार, पानी को साफ आफ कराना चाहिए। इसमें छोटा छोटा नाव है बच्चा लोग के लिए, कि वो लोग घूम सके। इधर भी बोट पड़ा हुआ है, जिसको भी जाना है लेके घुस जाओ अंदर। ये नहा भी रहा है यार, ज्यादा पानी भी नहीं है, ये बच्चा बोल रहा है। चल, अभी ऑलमोस्ट हम दोनों ने मिल के पूरा आधा पार्क, आधा से ज़्यादा पार्क पूरा कवर कर लिया। बस थोड़ा सा वो साइड वाला पार्क, मतलब वो साइड वाला बचा हुआ है, नहीं तो वैसे हम लोग ने कवर कर ही लिया पूरा। और थक गए यार, मतलब 2-3 किलोमीटर के आसपास है पूरा पार्क में, और पूरा थक चुके हैं। तो अभी फिलहाल अभी ये वाले साइड तो हो ही गया, अभी वो वाले साइड चलते हैं, वो वाले साइड पर घूमेंगे, उसके बाद आधा घंटे के बाद यहाँ से फिर निकल जाएंगे घर के लिए। वैसे तो पार्क अच्छा लगा मेरे को, वैसे पार्क अच्छा भी है एकदम, अभी तो नया है, मतलब नया नहीं, 2 साल लॉकडाउन में तो बंद ही हो गया था, तो फिलहाल अभी चालू है, तो ठीक ही ठाक पार्क है। बस अगर जानवर रखता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, यहाँ पे एक भी, मतलब वो बोलते हैं ना वो जानवर वगैरह, हिरन, मोर, ये सब कुछ पक्षी है ही नहीं, तो बिना उसके काम आ जाता है। सिर्फ पेड़ पौधे अच्छा है देखने में, फूल वूल है, यही है बस। अभी वो वाले साइड चलते, वो वाले साइड भी देख ही लेते हैं जल्दी से। इधर ऐसा ऐसा घर भी है जो दिखने में एकदम अच्छा लगता है एकदम, ये दोनों अच्छा लग रहा है। इधर का आगे भी है एक दो और, शायद ये यही होगा होटल के जैसा, जो वो बोल रहा था कि रूम चाहिए तो रूम भी दे देंगे, तो शायद यही सब रूम होगा जो देता होगा। देखने से तो एकदम बाहर से मस्त लग रहा है। अभी हम लोग पूरा कवर कर लिए, ये लास्ट है, ये पूरा एंड है। इधर देख लो, पूरा पीछे दीवार है, ये पूरा लास्ट तक हम लोग आ गए हैं। पूरा 2 घंटे लग गए हम लोगों को पूरा कवर करने में, पूरा घूमने में, क्या 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा, 3 किलोमीटर हम लोग कवर करते करते 2 घंटा के आसपास लग गया। अभी 12 से ज़्यादा हो गया, अब एंड होने वाला है। और ये बम्बू का पुल है, अभी मैं पूरा थक चुका हूँ एकदम, मतलब 3 किलोमीटर पैदल चलना समझ रहे हो, भी इतना कड़क धूप में, अभी धूप भी इतना ज़्यादा हो गया ना, ऊपर से हुडी पहन के रखा हूँ, तो एकदम अंदर से एकदम गर्मी लग रहा है। और ऊपर से मैंने अभी यहाँ पे 3-4 वीडियो भी बना लिया है रील्स के लिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हो इंस्टाग्राम पे कि मैसेज करके, भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, इंस्टाग्राम पे रील्स पे वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो भाई मैं अब से स्टार्ट कर दिया हूँ बनाना, तो ज़्यादातर रेगुलर रहूँगा फिलहाल के लिए। तो अभी मैंने आज बना लिया है 2-3, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा घर जाते के साथ। और अभी हम लोग ने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, तो बस आधा घंटा के बाद यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। अब इतना भूख भी लग रखा है, क्योंकि नाश्ता भी करके नहीं आए थे घर से हम लोग। वो लग रहा था क्या, ये बम्बू जो है वो एक नकली है, मतलब कलर मारा हुआ यार, येलो बम्बू जो है मैंने आज से पहले देखा ही नहीं, तो इसको स्केच करके भी देखे, मतलब ये फिर भी लग रहा है कि ये ओरिजिनल ही है, कलर वलर नहीं किया हुआ, बट येलो बम्बू मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पूरा बम्बू ही है। ये देखो, ये पूरा बम्बू का घेरा हुआ है, और ये घर है, ये भी एकदम पुराने जमाने की तरह, अच्छा देखने से तो अच्छा लग रहा है। इधर शायद जला दिया है, इधर पत्ता वत्ता है इसका शायद, वैसे ठीक है बम्बू का एकदम, यहाँ पे ज़्यादा जो है ना बम्बू ही है हर जगह पे। अभी हम लोग थक भी गए, तो कहीं बैठते हैं थोड़ा सा,
चलो ठंडा में बैठते हैं। ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ये घर और ये क्या लिखा हुआ है, लॉस हंट। इतना छोटा सा तो है ये। इधर जी ये जो है दिख रहा है ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है। ये वाला जो है ये रेस्टोरेंट है, और अभी बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा है, तो अब धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया आदमी लोग ने। तो शुरुआत में हम ही लोग आए थे 9:30 बजे के आसपास, तो वहाँ पे तभी उस टाइम पे बहुत कम आदमी था। ये अच्छा है लॉस हंट रेस्टोरेंट, तो अच्छा है बैठने बैठने के लिए भी। कैसा है मतलब चिकन बिरयानी? अच्छा है, मसाला ज़्यादा लग रहा है। मसाला ज़्यादा लग रहा है वैसे तुम, कोई चावल भी मतलब अलग लग रहा है क्या? नॉर्मल चावल लग रहा है, नॉर्मल चावल है ये चिकन, वो बिरयानी वाला चावल नहीं है। बिरयानी का चावल नहीं बता भाई, इतना पार्क में ऐसा करता है कम से कम अच्छा, इससे अच्छा तो अपना फोड़ी सब्जी में खिला। हाँ वही तो, उसका अच्छा रहता है, इससे अच्छा तो बिरयानी भी बनता है। यार मेरा भी लेके आ जा जल्दी, भूख लग रखा है भाई। किधर है अभी? हम लोग ने पूरा पूरा पार्क घूम लिया है बस, अब पूरा घूमने का थक गए हैं, भूख लग गया, तो हम लोग अभी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने के। इसका तो आ गया है, ये खा भी रहा है, मेरा सारा कौन लेके आएगा, जल्दी लेके आए, मेरे को भी भूख लग रखा है। उसके बाद हम लोग खाएंगे, उसके बाद यहाँ से पार्क से निकलेंगे। वैसे तो ये पार्क कैसा था, ठीक ही ठाक था, पार्क ठीक था, बट यहाँ पे ना ज़्यादा अगर लेके आ जाएगा जानवर वगैरह, हिरन मोर ये सब को लेके आ जाएगा तो ज़्यादा आदमी आएंगे। वैसे भी ठीक ठाक है, अभी तो वैसे पेड़ ही पेड़ है, अलग अलग तरह के बांस के पेड़, ज़्यादा दिन ज़्यादा यहाँ बांस के पेड़ है। चलो फिर देख लिया मैंने पार्क, आप लोगों ने भी देख लिया, तो बस खाएंगे उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। अभी आ गया मेरा भी बिरयानी, तो जल्दी से खाते हैं, मेरे को तो भूख लग के यार पेट दर्द करने लगा। कितना देर के बाद ला के दिया है सबसे लास्ट, वही तो बस हो गया, हम लोग ने खा भी लिया और अब हम लोग बाहर आ गए पार्क के, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं घर। अब वैसे तो थक गए पूरा ना। हाँ बहुत थक गए, चल चल के। इतना बड़ा पार्क है, ये रहा पीछे कुशियार गांव पार्क। चल वापस घर आ चुका हूँ कुशियार गांव डाइवर्सिटी पार्क से, वहाँ पे अच्छा था, मैंने पूरा घूमा तो मुझे अच्छा लगा, और आप भी जाके देखो वहाँ पे अच्छा है, बट वहाँ पे उसको थोड़ा और ज़्यादा डेवलप कर सकता है वो पार्क वाले, तो ज़्यादा अच्छा कर लेगा तो ज़्यादा आदमी आएंगे। वैसे भी अभी बहुत सारे आदमी आते हैं देखने के लिए, भीड़ बहुत रहती है दिन के टाइम पे, और वैसे भी टिकट का प्राइस भी जो है ज़्यादा है नहीं, वो 20 रुपया ही है, तो आप लोग भी आओ और जाके देखो वहाँ पे पार्क में घूमो। तो फिलहाल अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करता हूँ एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।